बरेली ड्रग्स माफिया गैंग के फरार चल रहे एक मोस्ट वांटेड मुलजिम को क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल ने पकड़ा है। आरोपी की पहचान यूपी बरेली निवासी 37 वर्षीय तैमूर खान उर्फ भोला के रूप में हुई है। इसके ऊपर दिल्ली पुलिस की ओर से 1,00,000 रुपए और यूपी पुलिस की ओर से 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। यह 2012 से फरार चल रहा था। इसने अपने गांव के आसपास के इलाकों में स्थानीय रॉबिनहुड की छवि बनाई हुई थी, इसलिए स्थानीय लोगों की मदद से यह अभी तक पुलिस से बचता रहा था। एमबीए छोड़कर ड्रग तस्करी के धंधे में उतरे तैमूर खान की यूपी और दिल्ली पुलिस को 9 मामलों में तलाश थी। 4 मामलों में उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ था। यूपी और दिल्ली पुलिस तैमूर की शिद्दत से तलाश कर रही थी। क्राइम ब्रांच नारकोटिक्स सेल के पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिश्वाल ने बताया कि पिछले काफी समय से दिल्ली पुलिस ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि ज्यादातर सभी मामलों में बरामद हेरोइन यूपी के बरेली, बदायूं, रामपुर से आ रही थी। सभी की तस्करी बरेली से दिल्ली के रास्ते पर हो रही थी। पकड़े गए आरोपियों ने बरेली के कुख्यात तस्कर तैमूर खान उर्फ भोला का ही नाम लिया। दिल्ली और यूपी पुलिस ने हेरोइन तस्करी के मामले में इस साल 17 मामले दर्ज किए थे। इनमें हेरोइन का सोर्स बरेली, बदायूं, पीलीभीत, बुलंदशहर और गाजियाबाद से आई थी। तैमूर का नाम आने के बाद पुलिस की टीम ने कई बार उसके ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन पुलिस की रेड से पहले ही उसे स्थानीय लोग पुलिस की मौजूदगी का पता दे देते थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपी फरार हो जाता था। 16 सितंबर को हेड कांस्टेबल अशोक नागर को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि मोस्ट वांटेड ड्रग माफिया बरेली से दिल्ली के सीलमपुर आने वाला है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही मोस्ट वांटेड ड्रग माफिया को दबोचने के लिए मयंक बंसल एसीपी नारकोटिक्स सेल की सुपरविजन व इंस्पेक्टर राम मनोहर के नेतृत्व में एसआई रवि सैनी, हेड कांस्टेबल अशोक नागर, हेड कांस्टेबल संजय, हेड कांस्टेबल तालीम, हेड कांस्टेबल परमिंदर और कांस्टेबल तरुण की एक टीम बनाई गई। पुलिस ने जाल बिछाकर उसे सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के पास से दबोच लिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने उसे काबू कर लिया। यह एफआईआर नंबर 106/18 अंडर सेक्शन 21/29 एनडीपीएस एक्ट में वांटेड चल रहा था। 21 अप्रैल 2018 को क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल ने 700 ग्राम हेरोइन के साथ दिल्ली निवासी विनोद को गिरफ्तार किया था। उसने पुलिस पूछताछ में बताया था कि उससे बरामद हेरोइन उसने तैमूर खान उर्फ भोला से खरीदी थी। तैमूर खान उर्फ भोला तभी से फरार चल रहा था। मोस्ट वांटेड ड्रग्स माफिया तैमूर खान उर्फ किसान परिवार से ताल्लुक रखता है। वो अपने पैतृक गांव बेहरा, पुलिस स्टेशन फरीदपुर, बरेली, यूपी में अपने माता पिता, 4 भाइयों और 1 बहन के साथ रह रहा है। यह अपने भाइयों और बहनों में सबसे बड़ा है। इसकी 2 बेटियां और 1 शादीशुदा बेटा है। बरेली कॉलेज से बीए करने के बाद इसने फ्यूचर कॉलेज बरेली यूपी में एमबीए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लिया, लेकिन पढ़ाई जारी नहीं रखी। दिल्ली पुलिस के नारकोटिक्स सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बरेली दिल्ली जो ड्रग्स हाईवे जो बना हुआ है, सप्लाई चेन और नेटवर्क सिंडिकेट जो काम कर रहे हैं उस पे, उसको तोड़ने के लिए क्राइम ब्रांच के नारकोटिक्स सेल की टीम काफ़ी दिनों से तत्परता के साथ काम कर रही है। इस साल जो 17 मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें से 11 मुकदमों में बरेली और आसपास के इलाकों का जो ड्रग सप्लायर हैं, ट्रैफिकर हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। और इन मुकदमों में हमने अभी तक 8 बड़े ड्रग्स ट्रैफिकर को अरेस्ट कर चुके हैं। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पीछे 16 तारीख को जो बरेली का सबसे बड़ा ड्रग माफिया है, जिसका नाम तैमूर अलियास भोला है, जो 2012 से अपस्काउंडिंग चल रहा है और दोनों राज्यों का पुलिस, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस, जिसकी तलाश कर रहे हैं, ये 9 मुकदमे में वांटेड है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, घोषित अपराधी हुआ है दिल्ली से बरेली से। इसको हमारे क्राइम ब्रांच की नारकोटिक सेल की टीम ने गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये तैमूर खान अलियास भोला ये बरेली का रहने वाला है और इसकी उम्र अभी ये 36-37 साल का आदमी है। ये शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे हैं, इसके फादर फार्मर हैं, इसके 4 भाई और बहनों और 2 बहन भी हैं। ये बरेली कॉलेज में MBA पढ़ने के बाद, डिग्री करने के बाद ये MBA कोर्स में भी इसने एनरोलमेंट किया था। ये पढ़ाई ख़त्म करके मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का तमन्ना ये रखता था। काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन है और उसकी चीज़ों को लेकर के, कानून को लेकर के इसकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छा है। इसको पता है कि ड्रग्स को लेकर के कानून और तमाम जो कार्रवाई होती है किस तरह से होती है और उससे कैसे आदमी क्या करने से बचता है, ये तमाम चीज़ों भी उसको अच्छी तरह से मालूम है। 2007 में जैसे ये कॉलेज ख़त्म किया था और उसके बाद इसकी शादी हो गई थी, ये कहता है
कि इसको पैसों की जरूरत थी और बरेली में जो चलता हुआ ड्रग्स का कारोबार था उसमें ये एक अस्फाक प्रधान नाम का जो ड्रग लॉर्ड है वहाँ पे लोकल ड्रग लॉर्ड उसके साथ ये शामिल होकर उसके लिए काम करने लगा। 800 रुपया में एक पैकेट लेकर के दिल्ली पहुँचाने का काम इसने पहले किया। इस तरह से दो बार करने के बाद इसको महसूस हुआ कि इससे काफ़ी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। और ये पहले ही इसका आपराधिक करियर का शुरुआत इसने एक ड्रग सप्लायर की तरह, एक पेडलर की तरह किया था, जो कि बरेली से दिल्ली ला करके लोकल सप्लायर्स को हेरोइन पहुंचाता था। जब इसको महसूस हुआ कि ये इस धंधे में मुनाफा बहुत ज़्यादा है और ये घिनौना धंधे में से लिप्त होकर के काफ़ी पैसा कमाया जा सकता है, तो ये किसी दूसरे ड्रग माफिया का सिपाही सलार होने से अच्छा अपनी ही सल्तनत खड़ा करने का इसने फैसला किया। और लोकली जो यंगस्टर्स हैं उसको इकट्ठा करके ये अपना ही एक ड्रग्स नेटवर्क भी तैयार किया। अस्फाक प्रधान के साथ काम करते हुए, जो कि ड्रग्स वहाँ पे जो पॉपी रॉ मटेरियल होता है उसके साथ केमिकल मिला करके, क्रूड के साथ केमिकल मिला करके हेरोइन को बनाया जाता है, ये काम बरेली के इलाके में काफ़ी लोगों को जो ड्रग्स कारोबार में लिप्त हैं उनको मालूम है। ये अस्फाक प्रधान के साथ काम करते हुए इसको इस ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग का टेक्निक्स इसको मालूम पड़ा था और इसने उसके बाद रॉ मटेरियल मंगा करके उसके साथ केमिकल मिला करके क्रूड से हेरोइन बनाने का काम इसने, धंधा इसने शुरू किया। बरेली के आसपास खेतों में गन्ने की जो खेती होती है उसके अंदर छुपा करके इसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग किया और करने के बाद इसकी सप्लाई वो दिल्ली में करने का काम शुरू किया था। आगे चल करके ये स्पेशल सेल के 3 मुकदमे में इसका नाम आया और नारकोटिक्स सेल क्राइम ब्रांच की तरफ से भी जो मुकदमे हुए थे उसमें भी इसका नाम का खुलासा हुआ। अलग अलग टीमें इसके पीछे पड़ी और उसके बाद ये पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए ये वहाँ से फरार हो गया और कहा जाता है कि लखीमपुर खीरी इलाके में जहाँ पे उसके रिश्तेदार रहते हैं वहाँ और बरेली के बीच में ये आना जाना करता था और पुलिस के गिरफ्त में से ये बचा हुआ था। पीछे अगस्त 16 तारीख को हमारे नारकोटिक सेल ने दिल्ली का एक बड़ा ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, जिससे एक खुलासा हुआ कि बरेली में रहता हुआ छोटे प्रधान शाहिद खान अलियास छोटे प्रधान, जो कि वहाँ का पढ़ेरा गांव का है और ग्राम का वहाँ का प्रधान है, उसका माँ भी 5 बार वहाँ का प्रधान रह चुकी है, उसकी पत्नी भी वहाँ पर प्रधान रह चुकी है, वो वहाँ का एक बड़ा ड्रग सप्लायर के रूप में उसका नाम आता था। लेकिन हमें नारकोटिक सेल को केवल मालूम पड़ता था कि छोटे नाम का कोई सप्लायर है। जब भी हमारी टीम बरेली जाती तो वहाँ पर छोटे नाम के काफ़ी लोग वहाँ पर मिलते और उसका पहचान नहीं हो पाता। लेकिन जब पिछले महीने अगस्त महीने में जब एक दिल्ली में हमने एक ड्रग्स का खुलासा किया उसमें छोटे प्रधान का नाम आया, तब पता चला कि ये शाहिद खान अलियास छोटे प्रधान ही एक बड़ा ड्रग तस्कर बरेली का है जो दिल्ली में सप्लाई करता है। हमारी टीम जैसे ही बरेली जाकर के पहुंची तो वहां पे पता चला कि बरेली SSP बरेली की पुलिस टीम ने छोटे प्रधान को उसी दिन गिरफ्त में ले लिया था और उसके पास से 20 kg हेरोइन बरामद हुआ था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगस्त 4 तारीख को बरेली और आज बदायूं के आसपास के इलाकों का जो ड्रग तस्करों का दिल्ली के साथ संबंध और ड्रग्स हाईवे की तरह जो काम करते थे उसको लेकर के और जितने बरेली के तस्करों को हमने गिरफ्तार किया था, इन तमाम का विवरण देते हुए हमारे दिल्ली पुलिस नारकोटिक्स ब्रांच की तरफ से SSP बरेली और IG बरेली साहब को चिट्ठी पत्राचार करते हुए उसका समाचार भी दिया गया था और अनुरोध किया गया था कि उनके एक्टिविटीज़ के ऊपर वॉच रखा जाए और उनको सर्वेलेंस में लाया जाए। और ये UP पुलिस और दिल्ली पुलिस का एक समन्वय का नतीजा है कि शाहिद खान अलियास छोटे प्रधान को उसके बाद तत्परता के साथ बरेली के पुलिस ने वहां पे गिरफ्तार किया, जो कि हमारे मुकदमे में भी वांटेड था। यही छोटे प्रधान जिसको हम पुलिस रिमांड में लेकर के अपने मुकदमे में हमने गिरफ्तार किए, छोटे प्रधान से भी पता चला कि तैमूर अलियास भोला उसके लिए काम करता था और ये कितना बड़ा ड्रग्स सप्लायर है और अभी ये फरार है। ये जो तमाम लिंकेजेस को बैठने के बाद हमारी पुलिस टीम ने तैमूर अलियास भोला के ऊपर सर्वेलेंस करना उसके ऊपर शुरू किया। दोनों राज्यों के पुलिस की जो दबिश हुई उसमें तैमूर भोला इलाका छोड़ करके अलग अलग जगह पर ठिकाना ढूंढने का प्रयास किया, उसके ऊपर लगातार हमारा नज़र बना हुआ था और हमें गुप्त सूचना मिलने पर 16 तारीख को सीलमपुर इलाके में यह अपने किसी रिश्तेदार के सहारे से वहाँ पर ठिकाना ढूंढने रहने कुछ दिन गुजारने का जो ठिकाना ढूंढने के प्रयास में आया हुआ था। सीलमपुर के पास से हमारी नारकोटिक्स सेल की टीम इंस्पेक्टर राम मनोहर के नेतृत्व में उसको दबोच लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे
मैंने आपको बताया, उसके पूछताछ से हमें पता चला कि तैमूर भोला पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सॉफ्ट स्पोकन है और काफ़ी अच्छे से बातचीत करना जानता है। गैंग कैसे बनाया जाता है, लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है, उसको अच्छी तरह से पता है। बरेली में हमारी जो लोकल इंक्वायरी के दौरान पता चला था कि तैमूर भोला इतने लोगों को ड्रग्स से जो वो जो अर्जन करता है पैसा, उससे काफ़ी लोगों को वो मदद इसलिए किया है कि ताकि लोग उसके सपोर्ट में खड़े रहें और दिल्ली या हरियाणा इत्यादि की अगर नंबर प्लेट की कोई गाड़ी उसके इलाके में आसपास में घूमता रहे तो उसकी सूचना उसको तुरंत वो लोग प्रदान करें। इसलिए तैमूर भोला इतने दिन से वही बरेली और आसपास में वो अपना काम करते हुए भी बरेली पुलिस की गिरफ्त से भी वो उससे मुक्त रहने के लिए वो सक्षम रहा और वहाँ पे इलाके में एक रॉबिन हुड का इमेज ये बनाना चाह रहा था। जैसे ये जानता था कि अस्पाक प्रधान और छोटे प्रधान ये लोग भी प्रधान ही करके एक राजनीतिक उनका बैकग्राउंड भित्तिभूमि ये लोग तैयार करते हैं और उसी से अपना धंधा को भी वो अपना चलाने में कामयाब होते हैं। तो इसका भी एक एस्पिरेशन था कि ये आगे चल के पब्लिक सपोर्ट लेकर के ये एक राजनीति में भी ये शामिल हो और इसीलिए इलाके में कुछ गरीब लोगों का मदद करना, उनको अपने कब्जे में लेना और इलाके के जो यंगस्टर्स हैं उनके सामने एक रॉबिन हुड का इमेज प्रस्तुत करना और उनको ड्रग्स के धंधे में शामिल कर लेना, ये उसका एक मोडस ऑपरेंडी था। उसका वहाँ पे लोगों में यंगस्टर्स में इतना प्रभाव था, उनके कब्जे में इतने लोग थे कि जब भी कोई दिल्ली नंबर या हरियाणा नंबर की गाड़ी या कोई बड़ी गाड़ी जिसमें कि पुलिस का टीम होने का संभावना है वो अगर आसपास में घूमती तो उसकी सूचना तुरंत तैमूर भोला को मिल जाता और इलाके से वो फरार हो जाता। इसलिए कई बार पुलिस टीम, दोनों राज्यों की पुलिस टीम वहाँ पे खाली हाथ लौट रही थी। कहा जाता है कि इलाके में बच्चे भी वहाँ पर अलग अलग टीम बना करके, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस का टीम बना करके भोला भाग गया ये कोई वहाँ पे गेम भी वो लोग बच्चे वहाँ पे खेलते हैं। इतना शातिर और तरीके एकदम जो तरीके के साथ इसने अपने आप को अपना सल्तनत, ड्रग्स का सल्तनत और लोगों का एक सपोर्ट नेटवर्क वहाँ पे इसने स्थापन किया है। ये भी ये बिल्कुल आपने सही कहा, इलाके में वहाँ पे आमतौर पे बहुत लोगों का नाम भी इस तरह से, घरों का नाम जो छोटे होता है, मुन्ना होता है, और ये कभी भी जो जिसके पास भी लोग ड्रग्स की सप्लाई करते हैं दिल्ली में, ये अपना असली नाम कोई नहीं बताता। ये उनका मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा होता है कि चेन में जो एक चेन का एक कड़ी दूसरे कड़ी के पास पहुंचाता है, दूसरा कड़ी तीसरे कड़ी के पास पहुंचाता है। जिस कड़ी को भी आप पकड़ते हैं वो अगले का ही नाम बता सकता है, उसके आगे की कड़ी का नाम उसको मालूम नहीं होता। अगर होता भी है तो इसी तरह जो सांकेतिक नाम होता है छोटे या मुन्ना या जैसे भोला, भोले भी कई लोगों का नाम इलाके में होता है, इसलिए जब भी आप ऐसे नाम से शुरुआत करेंगे, तफ्तीश करेंगे तो आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे और आपको उस तक, उस असली व्यक्ति तक पहुंचने में काफ़ी वक्त और प्रयास आपका लग जाएगा। अब इसके फादर और ब्रदर, फादर के ऊपर भी यूपी पुलिस ने मुकदमा किया था, इसके ब्रदर्स भाई ये भी जेल में बंद हैं। 2000 जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था कि 9 मुकदमे में ये वांटेड है, जिसमें से दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल की 3 मुकदमे में ये वांटेड चल रहा है और जिसमें कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित अपराधी भी इसको घोषित किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस तैमूर अलियास भोला के ऊपर 1,00,000 रुपया का इनाम घोषणा किया गया है और उससे पहले बरेली पुलिस के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा इसके ऊपर 25,000 रुपया का इनाम घोषणा किया गया था, जो बढ़ोतरी करके उसको 50,000 रुपया में बढ़ाया गया था। यानी तैमूर अलियास भोला के ऊपर 1,50,000 रुपया का इनाम दोनों राज्यों के पुलिस की तरफ से घोषणा किया गया है और ये दोनों राज्यों के 9 मुकदमे में ये वांटेड चल रहा था। 2012 से ये अपस्टैंडिंग चल रहा है और जैसे ही दिल्ली पुलिस की अपराध में, ड्रग्स खुलासों में इसका नाम आया, उसके बाद ये दिल्ली आना बंद कर दिया और ये एक वाइड नेटवर्क के तहत अलग अलग कड़ी बना करके दिल्ली की अलग अलग नेटवर्क में ये अपना ड्रग्स वगैरह, ये हेरोइन इत्यादि सप्लाई करने लगा था। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।